अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो फाइनली मैं आज हॉस्पिटल गई थी डेंटिस्ट से मिलने के लिए और मेरे फर्स्ट टाइम गई हूँ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बहुत ही बड़ा मसला हो गया है क्योंकि डॉक्टर को दिखाया मैंने तो उन्होंने बोला कि जो लास्ट की डाल है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने बोला है कि ये पूरी डैमेज हो चुकी है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ गया ये बात सुन के, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों को देखती थी और सुनती थी कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है और किसी ने डाल निकलवाई है, तो मुझे बहुत डर लगता था इस चीज़ से। तो गाइज़ मेरे साथ भी ये मसला हो गया है कि मुझे वो डाल निकलवानी ही पड़ेगी, बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। उन्होंने बताया कि इसका होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको निकलवा लो आप जितना जल्दी हो सके। 3 दिन की दवाई दी है, मुझे मंडे को बुलाया है, लेकिन बकरीद सर पे है तो दानिश ने कहा है कि हम अभी नहीं करवाएंगे इसको, हम करवाएंगे बकरीद के बाद। तो जब तक मैं दवाइयाँ खाऊँगी और जो स्वेलिंग हो रही है मेरे यहाँ पर, मतलब बाहर नहीं दिख रही लेकिन अंदर जो मसूड़ा है उसके अंदर स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा है वहाँ से, तो इंशाल्लाह बकरीद के बाद में ये सीन होगा। मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि बाहर गर्मी इस कदर हो रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी हम सबकी, क्योंकि जैन मेरे साथ गए थे और जैद दावर को मैं उनके दादी दादा के पास छोड़कर गई थी, तो जैन को मैं लेके गई थी, बहुत गर्मी हो रही थी बाहर, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं करा क्योंकि मैं उसी को संभाल रही थी ताकि उसको ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि परेशान हो रहा था बच्चा बहुत ज़्यादा गर्मी में। दूसरी चीज़ कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा था। आज मैं बहुत दिन बाद बाहर निकली हूँ, मंडी वंडी मैंने देखी, बकरे बहुत सारे आ गए हैं, जाफराबाद मंडी पे बहुत सारे बकरे आ गए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रौनकें लगती हैं यहाँ पे इस तरीके से। और मैंने शूट नहीं किया, इंशाल्लाह मैं स्पेशल जाऊँगी बकरों का शूट करने के लिए। और अभी मैं किचन में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि हॉस्पिटल से आते में मैंने बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे, बच्चों को लीचियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि फ्रेश लीची मुझे बहुत टाइम से मिल नहीं रही थी, इत्तफाक से मुझे आज मिल गई हैं तो मैंने ले ली है बच्चों के लिए लीची। और मैं किचन में इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि मैं लीचियाँ निकाल लूँ और बाउल में डाल के बच्चों को वॉश करके खिलाऊँ। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आप सबको कि मुझे कितनी फ्रेश लीची मिल गई है फाइनली। तो मिलते हैं आगे वीडियो। तो गाइस बच्चे लीची खा रहे हैं और ये देखो ज़रा दावर को कि दावर खुद छील के खा रहा है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने दब्बू को बताया कि अब तुम्हारा बर्थडे हो गया है ना तो तुम बड़े हो गए है ना, बिग बेबी बन गए हो ना, है ना शोना। और यहाँ पर है जैद, निकाल लिया मैंने। अच्छा, और यहाँ पर है जैद। जैद के रात पता नहीं किसी मच्छर वच्छर ने यहाँ पे आईज पे काट लिया है तो मेरे बच्चे के स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे, लेकिन सुबह ज़्यादा थी लेकिन अब तो काफ़ी बेहतर है ना। ध्यान से खाना सोना है ना, इसके अंदर जो गुठली होती है वो ध्यान से इसमें डालना। दावर तुम पूरी मुंह में नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा काट काट के खाना, ठीक है सोना। तो मैं बच्चों को खिलाती हूँ लीची क्योंकि ये काफ़ी स्लो खाएंगे, मैं इनको थोड़ा जल्दी जल्दी से देती हूँ छील के। तो गाइस मैंने हल्की सी एक नैप ले ली है शाम में क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं आराम कर रही थी। तबीयत मेरी थोड़ी सी ऐसी लग रही है मुझे, मैं जा रही हूँ किचन में कुछ देखती हूँ। क्या कर रहे हो बच्चों? खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। इन लोगों ने घर का क्या हाल बना रखा है ये देखो। मेरे बर्थडे गिफ्ट की कार मैंने दी थी ना ये मम्मा। हाँ। और वो दोनों गाड़ियाँ भी तुमने ही दी थी मुझे। जैन गाइस, जैन फ्लाइंग किस कर रहा है आप सबको। हाँ शोना, हाँ तो मैं जा रही हूँ किचन में कुछ हल्का सा कुछ बनाने के लिए, बहुत
थोड़ा वीक हो रही है मेरी हालत। मैं जा रही हूँ ये मेरी राशन की अलमारी है और मैं बनाऊंगी आज मूंग की दाल की खिचड़ी अपने लिए, सिर्फ बच्चों के लिए और बाकी सबके लिए। देखती हूँ कुछ और बनाऊंगी तो हमें मूंग की दाल मिल गई है गाइस। तो हम मूंग की दाल उठा लेते हैं यहाँ से, और ये सब दालें ही रखी हुई हैं और कच्चे चावल कहाँ पर हैं। आई थिंक इसमें कच्चे चावल हैं। हाय, तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने सामान ले लिया है सारा। गाइज मैंने दाल ले ली है यहाँ मूंग की, और इसमें है कच्चे चावल, ये रहे कच्चे चावल। और अब जल्दी से मैं इनकी खिचड़ी बना लेती हूँ क्योंकि बड़ा ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो गाइज हमारी खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, और ये जैद दावर और ये भी कोई आई हुई है हमारे घर में रुकैया आई हुई है घर पे, तो ये रुकैया खा रही है और ये जैद दावर खा रहे हैं, और जैन खा रहे हैं मिश्री जो कि इनको बहुत पसंद है। जब ये इतने मीठे मीठे से बच्चे होते जा रहे हैं ना, है ना शोना, तो मैं अपनी खिचड़ी एंजॉय कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पेट की बहुत बुरी हालत हो रही है। तो गाइज हमारी तुरइयों की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पिछली बार जैसी नहीं है, इस पे तरी नहीं आई है क्योंकि ये मैंने छोटी वाली सिस्टर आई हुई थी, मैंने उनसे बनवाई थी, सिखाना भी था उनको, और इसी बीच उन्होंने बनाई तो काफ़ी ठीक था। बाकी का मैंने इसका नमक चखा है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी है, तो बच्ची की कोशिश कामयाब हो गई। तो गाइज आज डिनर नहीं होगा, आज डिनर में लोग खाएंगे चाइनीज चिकन चाउमीन और स्टीम और फ्राई मोमोज, जो कि इन बच्चों की डिमांड पे आया है सामान। और जैन की हंसी और खुशी देखो जरा, जैन क्लैपिंग कर रहे हैं, शोना क्लैपिंग कर रहे हो, इतना पसंद है ये सब कुछ। नहीं, वीक में वन डे जो मम्मा ने बना रखा है ना, बस वही दिन चलेगा इसके लिए। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस कदर ये यमी हो रही है। चिकन का पीस दिखाना नानिश का, चिकन के सारे पीस एक ही साइड में हो गए ये रहे। ओए होए, ऐसी लग रही है ना ये देखने में। तो गाइज मैं इंजॉय करती हूँ इसे जल्दी से, इससे पहले ये दोनों जो डाकू बैठे हुए हैं मेरे सामने खा जाए। तो गाइज मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही हो रही है। छोटी वाली सिस्टर भी आई हुई थी, मैंने खिचड़ी बनाई अपने लिए खाने में और सबके लिए तुरइयाँ बनाई, मतलब घर में जितने और बाकी मेंबर हैं उन सबके लिए। और मुझे आपसे एक चीज़ बहुत ज़रूरी शेयर करनी थी, आज कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। मैं चितली कबर गई थी किसी काम से, और वहाँ से आते में हमें बहुत स्पेशल मिले कोई, क्या नाम है, जैसे कि हमारे शिहाब भाई थे, वो पैदल हज पे गए थे सऊदी तक केरला से। तो एक और भाई हैं हमारे, क्या नौशाद भाई, वो भी कर्नाटका से पैदल हज के लिए निकले हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, वो 2024 में पहुंचेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए निकले हैं वो अभी। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई शास्त्री पार्क में, चितली कबर से जब मैं आ रही थी शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में उनसे मुलाकात हुई वहाँ पे। दानिश ने दुआ सलाम भी की उनसे, क्योंकि मैं नहीं मिल पाई उनके साथ, बहुत ज़्यादा लड़कों का ग्रुप था तो मुझे ऐसे सही नहीं लगा। बाकी का दानिश ने की उनसे दुआ सलाम और दुआ के लिए बोला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि जब शिहाब भाई निकले थे हज के लिए तो उस टाइम पे भी मेरा बड़ा मन था कि मैं कहीं पे भी जाके उनसे मिल लूँ एक बार, लेकिन इत्तेफाक से नौशाद भाई हमें मिल गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी वो जो मैंने थोड़ी बहुत जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो देखिए मेरी वीडियो। चलो नौशाद।
गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छा दिन रहा आज, और सबसे मेन चीज़ ये थी कि हम आज नौशाद भाई से मिल पाए, और उनके लिए दुआ करिएगा आप भी कि उनका सफ़र आसान हो, इंशाल्लाह उनका हज अल्लाह ताला कबूल करें, बाकी का हमारे लिए भी दुआ करना। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, और अल्लाह हाफिज़।